वेलकम डियर स्टूडेंट, हम आरी जो सी लैंग्वेज की सीरीज चल रही है जिसके अंदर हम फंक्शन कॉन्सेप्ट कर रहे हैं, आज उसका सेकंड पार्ट करेंगे। फंक्शन में आपको बताया था प्री डिफाइंड फंक्शन, यूजर डिफाइंड फंक्शन। हमने बात कर ली थी यूजर डिफाइंड फंक्शन विद आर्ग्यूमेंट एंड विदाउट आर्ग्यूमेंट। और ऐसे ही सेम क्या होता है जो प्री डिफाइंड फंक्शन होते हैं, जैसे कि क्लियर स्क्रीन और गेट सी एच, तो ये कौन से हैं? प्री डिफाइंड फंक्शन विदाउट आर्ग्यूमेंट। और कुछ फंक्शन ऐसे भी होते हैं जो विद आर्ग्यूमेंट भी होते हैं, जैसे एक फंक्शन होता है डिले, जिसके अंदर हमारे को डिले कितने देर की होनी चाहिए वो पर्टिकुलर डिफाइन करनी पड़ती है। तो डिले एक प्री डिफाइंड फंक्शन है बट विद आर्ग्यूमेंट है। तो ये आपका फंक्शन था, फंक्शन के टाइप थे विद आर्ग्यूमेंट एंड विदाउट आर्ग्यूमेंट, यूजर डिफाइंड और प्री डिफाइंड। अब हम इसके फंक्शन की और फंक्शनैलिटी के ऊपर बात करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। रिटर्न टाइप फंक्शन क्या होता है? देखिए, बात थी हमारी वही जो हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर रहे थे, फंक्शन प्री डिफाइंड, यूजर डिफाइंड, विद आर्ग्यूमेंट, विदाउट आर्ग्यूमेंट, प्री डिफाइंड का भी और आपका यूजर डिफाइंड का। अब जो प्री डिफाइंड यूजर डिफाइंड फंक्शन है, इसमें एक कंसेप्ट है रिटर्न टाइप फंक्शन क्या होता है। रिटर्न रिटर्न टाइप फंक्शन एक कंसेप्ट होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाते हैं हम विद आर्ग्यूमेंट और विदाउट आर्ग्यूमेंट। उसके बाद एक कंसेप्ट रह गया आपका रिटर्न टाइप फंक्शन क्या होता है। रिटर्न टाइप फंक्शन क्या होता है, हम किसी फंक्शन को आर्ग्यूमेंट देते हैं, मान लो नीचे से विद आर्ग्यूमेंट में 10 और 20 वैल्यू दी। अब 10 और 20 को कैलकुलेट करके एक तो वही प्रिंट करवा दे वो, या वो वापिस फंक्शन को एक वैल्यू रिटर्न करवाए और फंक्शन अपने अकॉर्डिंग या तो उसको आगे यूज करे कैलकुलेशन में उस वैल्यू को, या वही नीचे आके वो प्रिंट करवाए, वो प्रोग्रामर के हिसाब पर डिपेंड करता है। जैसे देखिए, मैं एक इसका एग्जांपल देता हूं आपको, मतलब यूजर डिफाइंड फंक्शन विद रिटर्न टाइप क्या होता है। यहां पर कई बातें और क्लियर हो जाएंगी, हमने वॉइड क्यों लिखा वगैरह वगैरह। तो देखिए, लास्ट लेक्चर आप लोगों ने सुना होगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसकी सारी डिस्कशन पहले की हुई है, फिर भी मैं नया डिजाइन कर ही देता हूं। हैश इंक्लूड कानिया डॉट एच, हैश इंक्लूड एस टी डी आई डॉट एच, वॉइड मैन, ये आपके दो फंक्शन क्लियर स्क्रीन और गेट सी एच प्री डिफाइंड फंक्शन। अब हम बना रहे हैं हमारा यूजर डिफाइंड फंक्शन। मान लीजिए हम वेरिएबल लेते हैं इंटीजर ए बी और सी, ओके, तीन हमने वेरिएबल लिए ए बी एंड सी। मीन अभी तक हमने कुछ नहीं किया, जस्ट सिंपली वॉइड में लिया क्लियर स्क्रीन गेट सी एच, दो आपके प्री डिफाइंड फंक्शन यूज किए। अब इसमें तीन वेरिएबल लिए ए बी एंड सी, उसके बाद क्या आइडिया स्टूडेंट, देखिए आगे। हम एक फंक्शन कॉल कर रहे हैं हेलो नाम का, ठीक है, उसको ए कोमा बी ये दो वैल्यू उसको दे रहे हैं और एक ही वैल्यू हमारे पास फिक्स है 10 और 20। हमारे पास दो आर्ग्यूमेंट है ए और बी, उनकी वैल्यू फिक्स है और वो दोनों आर्ग्यूमेंट जो हमने हेलो नाम के फंक्शन को दे दिए, क्लियर। अब हम एक हेलो नाम का फंक्शन बनाएंगे, void hello yes, ओके, void hello, और इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, मान लीजिए इंटीजर ले रहे हैं सी और सी इक्वल ए प्लस बी, और यहां पर हम वैल्यू प्रिंट नहीं करा रहे, हम वहां से रिटर्न करेंगे, यहां इंटीजर लेने पड़ेंगे आर्ग्यूमेंट आ रहे हैं, तो इंटीजर ए कॉमा इंटीजर बी। अब ये हमारा हो गया यूजर डिफाइंड फंक्शन विद आर्ग्यूमेंट, ये वही बात है जो पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस की थी। अब इसको थोड़ा एक्सटेंड कर लेते हैं, हम यहां क्या कर रहे हैं ए बी का एडिशन और उसको यहां से रिटर्न कर रहे हैं, आर ई टी यू आर रिटर्न क्या सी को, सी की जो वैल्यू कैलकुलेट हुई है इस फंक्शन ने, जो सी देखिए दो वैल्यू यहां से इसने ली, उन दोनों को सी में कैलकुलेट किया और सी को यहां से रिटर्न कर दिया। इसका मतलब void main से वर्किंग स्टार्ट होती है, पहले होगा क्लियर स्क्रीन, फिर दो वैल्यू असाइन होगी, फिर हेलो नाम का फंक्शन कॉल होगा, ए की वैल्यू, अब यहां ए भी लिया है तो यहां वेरिएबल के नाम आप चेंज कर लें, हम यहां एक्स वाई जेड ले लेते हैं,
वेरिएबल के नाम हम हमेशा अलग अलग लें, ठीक है, यहां अलग यहां अलग एक बार। तो आपने क्या किया, x और y की जो वैल्यू है वो ऊपर पास कर दी फंक्शन के पास। तो x की वैल्यू किस में ट्रांसफर हो जाएगी, a में, और y की वैल्यू किस में ट्रांसफर हो जाएगी, b में। a b का एडिशन हो गया इस फंक्शन के थ्रू, एडिशन हो गया किस में आ गया, c में, और c को इसने क्या कर दिया इसे रिटर्न, मतलब यहां से हम यहां गए वैल्यू लेके, इसने वैल्यू कैलकुलेट करके रिटर्न कर दी। रिटर्न की वैल्यू किस में आ गई, हेलो में आ गई हमारे पास, बट एक जो वैल्यू आई है उसको हम किस में ट्रांसफर कर लेंगे, जेड, हमारे पास एक वेरिएबल है जेड में हम ट्रांसफर कर लेंगे। तो हेलो फंक्शन से वहां गया और वहां से वैल्यू कैलकुलेट हो गई, रिटर्न की वजह से वापस आई और वो वैल्यू किस में डाल दी हमने, जेड में, और जेड को क्या करा देंगे यहां पर, या तो कोई यूज कर लेंगे या प्रिंट करवा देंगे, प्रिंट एफ परसेंटेज डी और जेड। बट एक छोटी सी बात और यहां आपको ध्यान रखनी होगी, अब यहां से जो वैल्यू आप रिटर्न कर रहे हो डियर स्टूडेंट्स, वो कौन सी वैल्यू है, सी। सी किस टाइप का वेरिएबल है, इंटीजर, इंटीजर है। तो ये फंक्शन जब हम बनाते हैं उसके सामने जो वॉइड लिखा जाता है, इसका मतलब ये है कि ये कुछ रिटर्न नहीं करेगा, वॉइड का मतलब खाली, बट ये तो रिटर्न कर रहा है, किसको कर रहा है, सी को। सी किस टाइप का वेरिएबल है, इंटीजर। तो इसको बताना पड़ता है कि ये फंक्शन बनाने से पहले जो होता है इसमें लिखा जाता है कि ये फंक्शन कुछ रिटर्न करेगा कि नहीं करेगा, तो किस टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा। अब यहां मैंने क्या लिखा, इंट, इंटीजर, इसका मतलब ये है यहां से जो वैल्यू गई उसको कैलकुलेट करके रिटर्न किया, रिटर्न की जेड में आ गई, जेड को प्रिंट करवा लिया। तो मेन जो फंक्शन है वो वैल्यू भेजता है और कैलकुलेट करके वापिस ले लेता है, किसके थ्रू, रिटर्न के थ्रू। तो रिटर्न जो करोगे उसका डाटा टाइप फंक्शन के सामने लिखना पड़ता है कि इस फंक्शन का रिटर्न टाइप कंसेप्ट क्या है, क्लियर। तो ये डियर स्टूडेंट आपका होता है रिटर्न टाइप फंक्शन। तो हमने फंक्शन के दो लेक्चर बनाए हैं जिनमें ये बात डिस्कस की है कि फंक्शन प्रीडिफाइंड, यूजर डिफाइंड, विद आर्ग्यूमेंट, विदाउट आर्ग्यूमेंट, बोथ कैटेगरी के अंदर, और रिटर्न टाइप फंक्शन क्या होता है जो इस प्रकार से कैलकुलेट किया जाता है। थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट, फंक्शन के इन कॉन्सेप्ट को वेरी सिंपल एग्जाम्पल से आपको बताया गया, आप समझें और उनको करके जरूर देखें। जय हिंद, जय भारत।